आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज के क्लास में हम देखते हैं स्कैनर। ठीक है, पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि ये क्या है। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस का ही भाग है। अब स्कैनर के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, स्कैनर को हम कहते हैं हिंदी, स्कैनर का हिंदी नाम होता है चित्रान्वीक्षक, चित्रान्वीक्षक। ठीक है, स्कैनर का खोज भैया कौन किए थे? रसेल कृष्ण नामक वैज्ञानिक ने 1957 ईस्वी में खोज किए थे। ठीक, देखिए स्कैनर क्या होता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस का भाग होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर को सेव करने के लिए देता है। क्लियर भैया? देखिए, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस का भाग होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर को सेव करने के लिए देता है। क्लियर? इन स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस का भाग है। ठीक, इसकी खोज कौन किए थे? रसेल किर्स ने 1957। ठीक, अगर इस पे प्रश्न पूछेगा तो पूछ सकता है स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या टिक मारेंगे? इनपुट डिवाइस। ठीक, स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस का भाग होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्कैन करते हुए कंप्यूटर सिस्टम में सेव करने के लिए देता है। क्लियर भैया? अब देखिए नेक्स्ट है बार कोड रीडर। देखिए, बार कोड रीडर का आज के समय में बहुत ही प्रयोग हो रहा है। बार कोड रीडर समझिए, हर जगह बार कोड रीडर का ही प्रयोग हो रहा है। जैसे हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो उस पर भैया क्या है, वो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उस पर जो बार कोड रीडर का काम होता है कि उस पर कोडिंग को पढ़ता है। ठीक, देखिए बार कोड रीडर वर्तमान समय की सबसे प्रचलित डिवाइस है। ठीक, आज के समय की सबसे प्रचलित डिवाइस क्या होता है? बार कोड रीडर, जो उत्पाद के पैकेटों पर छपे कोड को पढ़ता है। ठीक है, जो उत्पाद हम लोग मंगाते हैं, जो सामान मंगाते हैं, उसके पैकेट पे जो कोड रहता है उसको क्या करता है? पढ़ता है। ठीक, बारकोड क्या है? बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, क्लियर? अब आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस का ही भाग होता है। क्लियर, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस का भाग होता है। यह जो है एकदम कैमरे की भांति कार्य करता है। आजकल आप लोग देखते होंगे हर कोचिंगों में, हर चौराहों पे, हर बैंकों में, हर जगह क्या है, यूज हो रहा है वेब कैमरा। क्लियर भैया? यह इनपुट डिवाइस का भाग होता है। अब देखिए, ये इनपुट डिवाइस का भाग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बायोमेट्रिक जिसे कहते हैं। बायोमेट्रिक क्या है भैया? बायोमेट्रिक भी इनपुट डिवाइस का भाग है जो जिसका प्रयोग हम लोग हर जगह पे कर रहे हैं। ठीक, बायोमेट्रिक का प्रयोग हर जगह पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे अंगूठा जहाँ लगाते हैं भैया, उसी को बायोमेट्रिक कहते हैं। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अंगूठा छाप बन गए हैं, ये किसका देन है? बायोमेट्रिक का। ठीक, बायोमेट्रिक क्या है भैया? बायोमेट्रिक शब्द यूनानी शब्द है। बायोमेट्रिक यूनानी शब्द है। बायोस, बायोमेट्रिक दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस धन मेट्रिक। ठीक, बायोस धन मीट्रिक। बायोस का अर्थ होता है जीवन से, और मीट्रिक का होता है मापन। जो जीवन का मापन करता है वही क्या है? बायोमेट्रिक है। क्लियर भैया? जो जीवन का मापन करता है वही क्या है? बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक क्या होता है? इनपुट डिवाइस का भाग होता है। क्लियर, कोई डाउट है? देख लीजिए एक बार और। स्कैनर की खोज कौन किया? रसेल किर्स ने। स्कैनर की खोज कौन किया था? रसेल किर्स ने। क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि स्कैनर की खोज कौन किया था? रसेल किर्स। कब किया? 1957 में। स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्लियर, स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ठीक, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए देता है। ठीक, बार कोड रीडर क्या है भैया? बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। ठीक, जो उत्पादों के पैकेटों पे छपे कोड को पढ़ने का कार्य करता है। क्लियर, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक भी इनपुट डिवाइस है। क्लियर भैया? अगर ये क्लास अच्छा लगा हो आप लोग को, अच्छा लगे,
तो लाइक और शेयर जरूर करें भैया प्लीज़।